ज्यादा पीछे के लिए तो गैदरिंग आ जाएगी। आज BSNL के 25th फाउंडेशन डे पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 15-16 के बाद में BSNL के मोबाइल सर्विसेज में थोड़ी गिरावट देखी गई। 2019 तक दो और ज़्यादा खराब हुआ। रीज़न बहुत क्लियर था कि हम लोग अपने नेटवर्क को अपग्रेड नहीं कर पाए थे। मैं रीजन्स पे नहीं जाना चाहता, लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। भारत सरकार एक मजबूत स्तंभ की तरह BSNL के साथ में खड़ी हुई है। कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे लिए सपोर्ट है, कि BSNL 4G सर्विसेज लॉन्च कर रहा है। अगर हिमाचल की बात करें तो 1068 4G मोबाइल टावर जो हैं वो लगाए जा चुके हैं। टोटल 2000 मोबाइल टावर जो हैं 4G के लगाने हैं। जो 4G टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ वो इंडिया में बनी हुई है। दुनिया में सिर्फ 5 ऐसे देश हैं जिनके पास में 4G टेक्नोलॉजी है। इंडिया में BSNL एकमात्र नेटवर्क है जो कि इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। जो सरकार का प्लान है और जो हमारा प्लान है, BSNL टॉप मैनेजमेंट का प्लान है, कि इसके बाद में 5G भी आना है और 6G पे भी बातचीत शुरू होगी। स्पेशली हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो करीबन 724 टावर्स ऐसे हैं, 2000 में से जो मैंने बताया ये वो टावर्स हैं जहाँ पे कि किसी भी ऑपरेटर का आज की डेट में 4G सिग्नल नहीं है। और यहाँ पे BSNL जा रहा है। मेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिजिटल इंक्लूसिविटी की जो स्कीम है कि सभी को 4G की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करानी है, वो इस माध्यम से हो जाएगी। उसमें से हम लोग 188 टावर्स लगा चुके हैं। ये पूरी जो हमारी स्कीम है वो हम 31 मार्च तक कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि कोशिश ये है कि ये दिसंबर तक हो जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह से स्नो बाउंड एरिया में हमें कितना टाइम मिलता है, उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा भविष्य में मार्च के बाद से हम लोग 5G सर्विसेज से बैकएंड पे काम शुरू हो गया है, स्पेसिफिकेशंस बन रहे हैं, और मार्च के बाद से BSNL की 5G सर्विसेज भी लॉन्च होने की संभावना है। तो हम लोगों ने सबसे पहला जो काम किया कि नेटवर्क को अपग्रेडेशन का करने का काम किया। नेटवर्क जो है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि इसका जो बैकबोन है वो ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है, और एक दो पार्ट होते हैं, एक तो बैकबोन होता है और एक एक्सेस नेटवर्क होता है। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड में, इसको ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहते हैं, और एम्पेरेस बेट एक्सेस नेटवर्क वो हमने अपने नेटवर्क में लगा दी हैं। पॉपुलर प्लान को कंपेयर करें तो 2GB पर डे का प्लान है 30 डेज का, हम उसको 199 में देते हैं। हमारे कॉम्पिटिटर जो हैं 349 से लेकर 379 की रेंज में देते हैं। लगभग हमारा प्लान जो है वो 45% जो है ज़्यादा अफोर्डेबल है। हाई स्पीड होम वाईफाई सर्विसेज जिसे हम कहते हैं, ये हम लोग हिमाचल के कोने कोने में दे रहे हैं। इनफैक्ट BSNL जो है पूरे हिमाचल में नंबर 1 FTTH ऑपरेटर है। वो दूसरे स्टेट में ये स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका रीजन ये है कि हमारा फाइबर नेटवर्क गांव-गांव तक पहुँचा हुआ है। तो ये सर्विसेज जो हैं ये आपको 300 Mbps तक की स्पीड देती है, और इसकी जो सर्विसेज शुरू होती है वो 299 रुपीज़ से शुरू होती है। ये शुरू की है FTTH सर्विसेज के लिए, उसका नंबर है 1800-4444। आज आपका अगर FTTH कनेक्शन बंद होता था तो आप किसी को फ़ोन लगाते थे, BSNL में आप किसी पार्टनर को फ़ोन लगाते थे जो हमारे पार्टनर हैं। अब आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप इवन WhatsApp पे भी अपने कस्टमर जो है उस पर रजिस्टर करा सकते हैं। ये हमारा सिस्टम ऐसा है कि 5 मिनट के अंदर वो हमारे पार्टनर पर पहुँच जाएगा, वो जहाँ पे भी नंबर पूरा कॉमन है पूरे इंडिया में, लेकिन वो सिस्टम के थ्रू पहुँच जाएगा कि भाई आपके इस कस्टमर को यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। आप उसके अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको नया कनेक्शन बुक करना है वो भी उसी माध्यम से बुक कर सकते हैं। मोबाइल सर्विसेज के लिए ये नंबर जो है 1503 है, 24 घंटे रहता है। ये कॉल सेंटर का नंबर है, और हिमाचल के कस्टमर्स के लिए हमने पर्सनलाइज सर्विस देने के लिए ऑफिस टाइम में 10 से 5:30 बजे के बीच में एक लैंडलाइन नंबर दिया है 2629777। ये शिमला का नंबर है, STD कोड 177 है। अगर
BSNL की 4G सर्विसेज से लेके किसी कस्टमर को कोई परेशानी है तो यहाँ पे वो डायरेक्टली कंप्लेंट दर्ज करा सकते। अगर मैं ग्राम पंचायत लेवल पर बात करूँ या गाँव गाँव में जाने की बात करूँ, तो एक भारत सरकार की भारत नेट स्कीम है जिसमें कि हम लोग 800 किलोमीटर केबल डाला था जिसको हम मेंटेन करते हैं, और 252 ग्राम पंचायत को हमने कवर किया है 6 ब्लॉक में, और 158 ग्राम पंचायत को हमने सैटेलाइट के थ्रू कवर किया है। तो अभी जो है वो 3,225 ग्राम पंचायत हिमाचल में छूटी हुई है। इसके लिए हम लोग भारत सरकार भारत नेट अमेंडेड प्रोजेक्ट लेके आए जिसको कि BSNL को इम्प्लीमेंट करेगा। 3 साल की टाइमलाइन है। मैं उसका साइज आपको बताना चाहूँगा कि BSNL का पिछले 60 सालों में जो नेटवर्क है वो लगभग 6,000 किलोमीटर का हिमाचल में OFC केबल, आपकी बार ये 24,000 किलोमीटर का एडिशनल केबल डाला जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क हम डाल रहे हैं। पूरी गांव जो है वो रिंग में कनेक्ट होंगे। रिंग में कनेक्ट होने का फायदा ये है उनको स्टेबल कनेक्टिविटी मिलेगी। BSNL यहाँ पे हिमाचल के जो युवा हैं, जो लोग हमारे साथ में बिजनेस करना, हम नौकरी नहीं दे रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनको हम लोग एज ए पार्टनर इनरोल करते हैं। वो पार्टनर हमारी नेटवर्क सर्विसेज देते हैं, हमारे सेल्सर डिस्ट्रीब्यूटर के पार्टनर बनते हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क, मैं आपको साइज बता दूं, हमारे पास में 6,722 रिटेलर थे, 2,750 डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हैं, 250 से ज़्यादा FATH पार्टनर्स हैं। ये लोग हमारे सर्विसेज को कस्टमर तक लेके जाते हैं। जुलाई अगस्त का उसमें 54,167 मतलब 54,167 कस्टमर्स हमारे पास में, हमारे कॉम्पिटिटर के पास से 14 किए हैं। और इसी पूरे मैं आपको अप्रैल से 1 अप्रैल से बताऊंगा तो 1,93,111 कस्टमर्स हमारे नेटवर्क में जुड़े हैं। हिमाचल नहीं, सिर्फ हिमाचल बता रहा हूँ, पूरे इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा है।